देखते हैं आज हम कंटिन्यूटी टेस्टर कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमको लगेगा एक एलईडी लाइट, दो पेन, दो वायर, दो बैटरी, दो छोटे वायर और एक बड़े वायर, ठीक है। और ये जो दिखाए हमने, जो कहाँ से आप ये एलईडी को मिल सकते हैं आपको, ठीक है। ये मच्छर मारने वाला जो बैट होता है वो, ये चार्जर, और ये भी एक चार्जर ही मानिए, ठीक है। तो इसमें से कहीं से भी, तो हम अभी सीखेंगे जो कंटिन्यूटी टेस्टर कैसे बनाएंगे। तो पहले इसको हम सब सबको हटा लेते हैं, ठीक है। तो इस दोनों में से किसी में से भी एक एलईडी को हम खोल लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं। तो हमने ये एलईडी खोल लिया, ठीक है। और ये जो पेन है, इस पेन को हम कट करके, ये जो बड़ा वाला है, ठीक है, इसको हम ऐसे निकाल देंगे। निकल के इतना सा, या जितना भी हमको जितना यूज़ करेंगे इतना हम निकाल निकाल के रखेंगे, ठीक है। तो ये हम अलग से बना के रखे हैं, देखिए ऐसा होगा। ये काट के काट लिया, यहाँ पे वायर को कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे बना दिया और इसको बाहर निकाल दिया, तो ऐसा ही होगा वो, ठीक है। इसको हम पास में रखते हैं। और ये जो एलईडी है, देखिए इसमें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अच्छा, सही तरह से देखिए, जो इस साइड है ये थोड़ा सा बड़ा है और ये छोटा है। जो छोटा है अंदर में वो ही पॉजिटिव है, और जो बाहर है यही नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव को हम ऐसे, इस एलईडी को हम ऐसे कर लेंगे। और ये जो रेजिस्टेंस हमने बोला था, मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, तो इसको हम ऐसे सोल्डर कर देंगे। और जो नेगेटिव है, इससे एक छोटे वाले को कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। ऐसे छोटे वाले को कनेक्शन करके पिन के अंदर घुसा देंगे। तो देखते हैं आगे। तो हमने बाड़ी से ये लगा दिया, देखिए एक वायर लगाया, उसके बाद रेजिस्टेंस एलईडी के पॉजिटिव सिरे में ये लगा दिया और नेगेटिव में ये वायर लगा दिया। इसको हम क्या करेंगे, इसको अब जो पेन हमने लिया था, ये वाला पेन में इसके अंदर दे देंगे, इसके अंदर हम दे देंगे इसको। देखिए ये आज आ रहा है, ठीक है। ये अभी बढ़िया जगह में है, अच्छे तरह से देख सकते हैं हम पूरे साइड से, ठीक है। अब ये नॉब हम लगा देंगे इसके अंदर। ये जो वायर निकला है ना, तो आप जैसे चाहें उस मर्जी से इसको आप रख सकते हैं, बड़ा छोटा ये आपका मर्जी। ये हम अभी थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसको हम काट देंगे, तो काट दिया मैंने, ठीक है। देखिए शेप में आ गया। और इसके बाद हम ये जो बैटरी है, देखिए दो बैटरी जो था, एक पॉजिटिव सिरा और एक निगेटिव सिरा हमने शोल्डर पहले से कर रखा है, और ये आ गया अभी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हमने जो ये तार निकाला था वो क्या था, पॉजिटिव। तो हम अभी यहाँ पे इसको टेप लगा देंगे, ओके। देखिए हमने यहाँ पे टेप लगा दिया, ये अभी इसे हम ये वायर को कनेक्ट करेंगे। तो ये वायर भी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसे हम काट के छोटा करके इसको सोल्डर कर देंगे। तो पहले नाप लेते हैं, इसको ऐसे रखना चाहिए। ये हमने काट लिया, आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं। बैटरी को पहले थोड़ा सा सब कुछ घिस लेना चाहिए, ताकि ये जो रंग है ये अच्छी तरह से पकड़े, ठीक है। ये रोजन है, बढ़िया मत, इसमें अच्छी तरह से पकड़ते हैं जल्दी से। जो डिब्बा में होता है वो भी काम चला हुआ है, उससे भी आप काम चला सकते हैं। तो हम ये
पॉजिटिव को कनेक्ट किया और ये जो हम लिया था ना, तो इससे अभी हम जो बड़ा वायर था नेगेटिव, इस नेगेटिव वायर को हम अभी सोल्डर करेंगे। ओके देखिए यहाँ पे हम सोल्डर कर दिया। इसके बाद ये जो वायर सोल्डर कर दे, ये जो वायर का दूसरा सिरा है तो इसे हम नेगेटिव पे लगा देंगे। जो बैटरी का नेगेटिव है इसमें अब हम इसको सोल्डर कर देंगे। अब देख सकते हैं हम सोल्डर कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखिए ये हो गया, तो देखिए ये, देखिए ये कंटिन्यूटी टेस्टर हमने बना लिया। ओके देखिए अगर जो डिस्टेंस हमने यूज़ किया वो थोड़ा सा कम है, 220 जो भी चार्जर में लगा हुआ रहेगा उसे आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये ग्लो कम ज़्यादा यही बात है रेजिस्टेंस का, ठीक है। और रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो एलईडी डायरेक्ट लगाने से कट जाएगा, क्योंकि रेड लाइट जो है वो 2 वोल्ट में चलता है, ये दोनों मिला के 1.5 3 होगा तो ये वो कट जाएगा, ठीक है। देखिए बन गया मेरा कंटिन्यूटी टेस्टर। ओके ये टेस्टर बनाया था, देखिए सही तरह से काम कर रहे हैं। तो ये काम किसके लिए लगता है, ठीक है, कैसे काम करता है, ये किस काम में हम इसे लगाते हैं, तो देखिए मानिए क्या बताया आपको। मानिए एक वायर है, ठीक है, तो ये वायर अंदर से सही या गलत है ये कंटिन्यूटी टेस्टर बता देगा। देखिए एक सिरे में इसको पकड़ा और एक सिरे में इसको, देखिए ये ठीक है। ओके मानिए अब ये कॉर्ड चेक करेंगे ये सही है या गलत है, तो इसे हम कैसे चेक करेंगे, एक सिरे में हम पकड़ेंगे और यहाँ से लगा के देखेंगे, ठीक है। देखिए लगा के देखेंगे, यहाँ पे नहीं जल रहा है, देखिए यहाँ पे ये ब्लिंक जल रहा है, मतलब ये जो वायर गया है ये सही है। और अभी दूसरे वायर को हम देखते हैं, चेक करते हैं, तो ये दूसरे में लगा दिया, देखिए मतलब ये वायर ठीक है, ये पूरा इसके जो अंदर गया है। कभी कभी ये क्या है एक्सटेंशन बोर्ड पे लगा हुआ रहता है, तो ये हमको पता नहीं चलता ये ख़राब है या बोर्ड का स्विच ख़राब है, तो हम इसे चेक करते हैं। ओके ये हो गया। इसके बाद देखिए ये जो ये भी कॉर्ड होता है कौन सा ख़राब है, हम कभी कभी टीवी में लगाते हैं तो ये नहीं चलता वो नहीं, ये तीनों में से कौन सा अच्छा है कौन सा गलत है ये बता देगा। ये देखिए ये यहाँ पे देखिए ये जल रहा है, ठीक है, मतलब ये सही है। इसके बाद इसका मुंह पे ग्राउंड दिया, देखिए ये कॉट सही है, थोड़ा सा मोट मैला है, सफ़ेद में पकड़ा ग्राउंड पे, देखिए ठीक है ये भी ठीक है, ये जल रहा है, थोड़ा सा इसमें सल्फर गिर गया है, ठीक कार्बन गिर गया है, ये भी ठीक है। ओके तो ऐसे हम इसमें इसको काम में लगाते हैं, देखिए ये देखिए ये भी जल रहा है। ओके इसके सामने से देखते हैं तो ये ठीक है, मानिए ये जो है मोबाइल में जो कॉर्ड रहता है, ठीक, तो इसे हम कैसे चेक करें, देखिए लूज कर रहा है तो कौन सा वाला ख़राब है कौन सा नहीं है हमको पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड है ये दोनों में रहता है, देखिए ये ग्राउंड है ये दोनों में रहता है, ये ग्राउंड भी ठीक है। इसके बाद एल देखिए ये लूज कर रहा है, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद ये वाला हम देखते हैं, मतलब ये ठीक है। तो यही काम है कंटिन्यूटी, और सभी वायर को जो कनेक्शन है ना, तो वो जो सेम वायर है वो क्या सही है या खराब है, तो इसको ही हम टेस्ट करते हैं। हम इस बोर्ड के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, तो इसे हम पहले कंटिन्यूटी से स्विच को हम देखते हैं, ये स्विच चेक करने के लिए
देखिए देखिए ये स्विच खराब है, इस बोर्ड का ये स्विच ही खराब था, तो इसे हम एक्सटेंशन बोर्ड को सही करके दिखाएंगे बाद में, डायरेक्ट कर लगाएंगे। देखिए ये स्विच खराब है, तो यही काम है कंटिन्यूटी टेस्टर बता देते हैं जो वो जो आप लगा रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, तो ये देखिए ये बैटरी हमने 15 रुपये में ख़रीदा, और ये पेन तो आपके घर में होगा ही, और चार्जर के लाइट तो 20 रुपये में घर बैठे ही आप ये बना सकते हैं। अगर ये आप ख़रीदने जाएंगे तो जो कॉइन बैटरी है उसमें 20-25 रुपये ही लेगा, वो सही होता है ख़रीदने से, मगर घर बैठे आप मार्केट नहीं जाएंगे तो ये भी बना सकते हैं यार, ये बहुत दिन तक चलता है। देखिए मेरे पास, मैं ये 3 साल पहले बनाया था, 3 साढ़े 3, इसका बैटरी देख के आप पता लगा सकते हैं कितना बोरिंग है। देखिए ठीक है, बहुत पुराना है बैटरी, से एवरीडी का बैटरी, 3 से 3 साढ़े 3 साल, ये उससे भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, देखिए ये बहुत दिनों तक चलता है। ये जो मैंने पहले एक कंटिन्यूटी टेस्टर बनाया था तो उसका जो बैटरी था जल्दी ख़राब हो गया था, तो हमने ये क्या किया, उसी लाइट से ये बना लिया था, तो हमको दूसरा खरीदने नहीं पड़ा। देखिए ये अभी देखिए जल रहा है, ठीक है, देखिए तो ये ऐसे ही काम करता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक दोनों ही कर दीजिए। थैंक यू।